हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप CSINET लाइफ साइंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको जरूर से आप नोटिस करिए। पॉइंट नंबर 1 कि आपने प्रॉपर एनालिसिस की है सिलेबस की, जरूर से करिए। इससे आपको आइडिया लगता है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 2, कंटेंट जो आप फॉलो कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, उससे कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो कंटेंट की एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, PYQ की एनालिसिस करना, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगता है कि जो कंटेंट आप फॉलो कर रहे हैं उससे किस तरीके के PYQs आपके एग्जाम में कितनी डेप्थ में या किस यूनिट से पूछे जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है CSIR के एग्जामिनेशन, इवन सभी एग्जामिनेशन में, वो है मल्टीपल रिवीजन। CSIR का सिलेबस इतना ज्यादा है, अगर आप मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करते हैं तो MCQs को सॉल्व करने में आपको मुश्किल आ सकती है। नंबर 5 में बोलना चाहूंगी कि एग्जाम में बैठने से पहले इंश्योर करिए कि एक अप टू द मार्क टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करिए। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है और कहाँ पे कमियां हैं जिनको आप अभी इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।